इस रियासत के लिए, माशरे के लिए भी कोई ऐसी शय मौजूद होनी चाहिए कि जो उसमें रहने वाले या उसमें शामिल सब लोगों की महबूब शय बन जाए। ये कॉमन मोहब्बत उन्हें जोड़ेगी, उनके अंदर इत्तेहाद पैदा करेगी। मसलन वतन की मोहब्बत, वतन की जय जय हिंद, वतन की अजमत के गुनगाओ, कौम की मोहब्बत, वतन परस्ती, कौम परस्ती, कोई नजरिया परस्ती, ये बहुत सी परस्तिशें हैं जिनसे के लोग फिर जुड़े रहते हैं। नस्ल परस्ती, लिसान परस्ती, जबान परस्ती, या आजकल जो आपको कहते हैं कि ये लिसानी असबियतें और ये नस्ली असबियतें, ये बलोच नेशनलिज्म, ये पख्तून नेशनलिज्म, ये सरायकी नेशनलिज्म, ये एक उर्दू वाला नेशनलिज्म, पांचवी कौमियत निकली थी हमारे यहाँ, ये सब कुछ क्या है? ये जमीयत के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए, शिराजा बंदी के लिए, उन्हें मुत्तहिद रखने के लिए कोई ना कोई शय महबूब हो जानी चाहिए। इस एतबार से इस दौर का सबसे बड़ा शिर्क वतन परस्ती है। लेकिन फिर देखिए, मैं बात आपसे अर्ज कर रहा हूं, उलमाए किराम इसको नहीं पहचान पाए, इसको पहचाना है तो अल्लामा इकबाल ने पहचाना है। इस दौर में मैं और है, जाम और है, जम और, साकी ने बिना की रविश लुत्फो सितम और, तहजीब के आजर ने तरशवाए सनम और, मुस्लिम ने भी तामीर किया अपना हरम और, इन ताजा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन इसका है वो मजहब का कफन है। नजारा देरी ना जमाने को दिखा दे, ऐ मुस्तफ़ावी खाक में इस बुत को मिला दे। ये वतन परस्ती शिर्क, इस दौर का सबसे बड़ा शिर्क। नेशनलिज्म, नेशनलिज्म जो है वो लोगों को जमा करने वाली शय है। हमारी कौम, रेशियल नेशनलिज्म भी होता है, नस्ली कौमियत, और आजकल नेशनलिज्म जो है वो इलाकाई होता है, टेरिटोरियल नेशनलिज्म, एक मुल्क में रहने वाले जो है उस वो सब एक कौम है और अपने मुल्क से मोहब्बत सबसे ऊपर कर दे। ये है दर हकीकत अल्लामा इकबाल ने जिसको कहा कि वतन, एक तो है वतन से मोहब्बत होना, वो ठीक है, हुब्बुल वतन मिनल ईमान हदीस है, गुफ्तार नबूवत में वतन और ही कुछ है और गुफ्तार सियासत में वतन और ही कुछ है। वतन जब आता है पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट की हैसियत से वो माबूद बनता है। इस माबूद की एक नमाज है, आप खड़े हो जाते हैं, तराना पढ़ा जा रहा है और आप खड़े हैं, झुके हुए, सर झुकाकर खड़े। ये कुनूत जो है ये किसके लिए हो रहा है? वतन के देवता के लिए हो रहा है। वतन के देवता का एक और है सलामी, झंडे को सलामी दी जा रही है, झंडा वो अलामत है आपके वतन की। आपके इल्म में होगा, मैं इस तराने के पढ़े जाने के वक्त खड़ा नहीं होता और उससे बड़ी कंट्रोवर्सीज भी हुई हैं, मुझे बड़ी तल्ख बातें भी सुननी पड़ी हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि दर हकीकत ये वतन की नमाज है, वतन की हमद हो रही है, वतन के और तराने गाए जा रहे हैं। दर हकीकत ये इज्तिमाई सतह पर पॉलिटिकल साइंस के एतबार से आज वतन जो है वो जो है एक माबूद की शक्ल इख्तियार कर गया है।